The separation of powers concept is understood, assumed the existence of a judicial system free from outside influence of whatever kind and from whatever source, and further assumed that each individual judge would be free from coercion even from his own brethren. And then he goes on to say, a judiciary that would operate completely independent of everything except the constitution. Aage plot 2.5 paragraph in page 3 mein he carries on and he says, and I quote this with respect, कि जुडिशरी जो है ना कैनॉट बी क्रिएटेड, वी कैनॉट क्रिएट ए जुडिशरी कंपोज्ड ऑफ जुडिशियल एंजल्स, बट एट द सेम टाइम इंडिविजुअल लिबर्टी इज बेस्ट प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी कंपोज्ड ऑफ जजेस हु आर सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अलोन. एंड देन ही काइंड ऑफ addresses the social challenges also. He says, beyond doubt, during this era of social upheaval, there is a rather extraordinary lack of confidence, which he says includes the judiciary. And then he goes on, hence, it is not surprising that some deeply concerned persons would emulate the examples of Samson, who in his blind zeal destroyed the pillars of the pillars on which the temple rested. Judicial independence can just easily be eroded by powerful hierarchies within the judiciary itself, as by outside pressures from the legislative and executive branches of the government. So this sets the scope of what I wish to submit. Isliye pehli cheez jo main another quote that I want to quote Professor Philip also, ye bhi Harvard, Yale aur digar professors, centers of excellence ko head bhi karte rahe hain aur heavily cited aadmi hain, ye kehte hain, it should be kept in mind that tools created by the well intentioned for the beneficent uses may fall into the less worthy hands to be used for the less appropriate ends. तो इस स्पेक्ट्रम के साथ मैं गुजारिश ये करता हूँ कि इस अदालत जब इस केस को सुन रही है तो पहली चीज जिसकी रिकग्निशन होनी चाहिए that the pervasive jurisdiction that this court has exercised in the past and has in 184(3), it has to be tempered with the realization of some restraint. हर चीज आप खुद नहीं कर सकते, ये इस बात का गुजारिश है कि ये दराक जरूरी है, और ये इसलिए भी जरूरी है कि जो जिम्मेदारी है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की वो सिर्फ आपके कंधों पर नहीं है, ये जिम्मेदारी जो है ये तमाम ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट की भी है. एक फर्क है सर, हमारा फर्ज है. जी जी जी, हमारे कंधों की बात ना करें. जी जी, हमारा फर्ज, आपका फर्ज है, आपका फर्ज नहीं है. अच्छा, मैं आपकी इजाजत से हमारा थोड़ा सा इख्तलाफ अगर करूं, मेरा भी फर्ज है वो, फिर ठीक है, मगर आईनी फर्ज नहीं है. जी जी, हम आपको वेलकम करते हैं, तो आप अपने ऊपर ले लें. मैं गुजारिश का क्यों मैं कह रहा हूँ कि मेरा भी फर्ज है, बार काउंसिल का भी फर्ज है, सिविल सोसाइटी का भी फर्ज है. आपने जो ओथ तो नहीं लिया है ना जजमेंट के वक्त? मैंने लिया है. जी बिल्कुल, तो ये मेरा फर्ज है. इसमें मेरी दो राय नहीं कि मैं आज इंडिपेंडेंट बैठना चाहता हूँ या ना बैठना चाहूँ, आज प्रेशर में आना चाहता हूँ या ना आना चाहूँ. ठीक है, आप यकीनन आप भी मुझे प्रेशर डालेंगे अपने दलाइल से, इंटेलेक्चुअल प्रेशर हो गया, हो सकता है आप डांट डबट के मुझे प्रेशर डालें, ऐसे बहुत सारे प्रेशर हो सकते हैं, मगर ये फर्ज है मेरा, इसमें दो राय नहीं है. बिल्कुल, आप आपका ये फर्ज नहीं है, तनख्वाह हमें मिलती इसी बात के लिए, नहीं तो घर जाए. इससे मैं इख्तलाफ नहीं करता, बट अपनी जिम्मेदारी का एहसास और अहमद, ये बताइए, आपने बड़ा अच्छा कोटेशन पढ़ा हार्वर्ड और बर्कले का, बट ये अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में था, अफ्रीकन कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में नहीं था. सर आपने बड़ा अच्छा पढ़ा उसमें कि वेयर आपने एक्सप्रेशन यूज किया, टिरेनिकल पावर्स वर अबव द लॉ. सर अ जज इन अ सोसाइटी वेयर देयर से अस्यूमिंग देयर आर टिरेनिकल पावर्स वर अबव द लॉ, हाउ अ जज और जुडिशरी is to maintain independence. Sir, मैं इस पे आ रहा हूँ, बट मैं question. जी मैं इसमें एक वजाहत आपकी इजाजत से ये करना चाहता हूँ कि ये तासुर जो दिया जा रहा है मीडिया में भी और आम भी, पाकिस्तान कोई वाहिद मुल्क नहीं है जहाँ पे टेरिकल एक्सरसाइज पावर पहली दफा हुई है या पिछले 76 साल से. हम देखें, हम अपने हीरोज को क्यों नहीं सराह हैं रहे हैं, जरा सुनिए हमारे हीरोज कौन थे. सर जाबिर आए, उन्होंने कहा आप मेरे ताबे होंगे आइन के नहीं, आप कॉन्स्टिट्यूशन पीसीओ पे ओथ लेंगे, उन्होंने कहा शुक्रिया खुदा हाफिज़ मैं जा रहा हूँ.
सर, ये हमारे हीरोज हैं, ये ना कहें कि सब बराबर हैं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। आप कहें कि जी आप में भी अच्छे निकले हैं और आप में भी बुरे निकले हैं, जो यहाँ के हर माशरे में और हर सोसाइटी में और हर इदारे में होता है। आपके इदारे में भी यही बात होगी, आप बुरा ना माने, अगर ये कहना कि जी उनको आप कंडेम कर दें, उनकी सेक्रीफाइस किसी मकसद की नहीं थी, उन्होंने भी तो कोई प्रेशर नहीं लिया ना, उन्होंने कहा अच्छा जी ठीक है, मैं आप क्या कर रहे हो, पहाड़ से सर तो नहीं मार सकता है, मगर उन्होंने अखलाकी तौर पर दिखा दिया बिल्कुल कि आप कर लो, और फिर वो जो दूसरे लोगों ने फैसले लिखे उनकी आप बुकत देख लीजिए।